गाइस, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। मेरा नाम है विश्वरूत और आप देख रहे हैं जीटीडी गुज्जू टेक्नो टॉक्स। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मेरे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मैं आज लेके आया हूँ कुछ प्रीमियम क्वालिटी का एक्टिव वॉच, सैमसंग एक्टिव 2। ये क्लोन वॉच होने वाला है, इसके साथ सभी फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर ऑटो डिटेक्टिव सेंसर ऑन है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो ऐसी है जो आपको अभी तक पता नहीं है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसी वॉच है, कैसा इसका रिव्यू है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। तो गाइज मैं लेके आ चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी एक्टिव 2 वॉच। कुछ इस तरीके से इसके वॉच के ऊपर नाम लिखा हुआ रहेगा, जो कलरफुल दो कलर के बीच लिखा हुआ है और ब्लैक कलर में डायल के साथ वॉच दिखाया हुआ है। कुछ इस तरीके से बॉक्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बीवी टेस्ट, हार्ट रेट, स्टेप मैनेजमेंट है ना, मैसेज रिमाइंडर और कुछ इस पीछे के इस तरीके से कुछ दिया हुआ है इसका स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप, फोन कॉल, म्यूजिक कंट्रोल एंड स्लीप मॉनिटर। तो अब इस वॉच को हम आराम से ओपन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ओपन होता है। ओके, कुछ इस तरीके से वॉच ओपन होगा और लिखा हुआ आपको मिलेगा स्मार्ट वॉच, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि नहीं देख लेते। ओके, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, पेडोमीटर है, हार्ट रेट मॉनिटर है, कैलोरीज है और स्लीप मॉनिटर है। और इसके साइड में और क्या लिखा हुआ है देखा जाए तो कॉल अलर्ट है, मैनेज मैसेजेस है और सेंटीमेट्री है और क्लॉक है, पीछे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसके अंदर अब क्या आपको देखने के लिए मिलते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो वॉच को हम करते थे एक बार ओपन। ओके, कुछ इस तरीके से आपको वॉच देखने के लिए मिल जाएगा। ये वॉच को हम 2 मिनट साइड में रख देते और कुछ इसके साइड क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया वो भी हम देख लेते। ओके, कुछ इस तरीके से आपको वॉच साइड में रखना है, अंदर से ओपन करके आपको देखना है अंदर क्या क्या चीज दी गई है। ओके, एक मेरे को बेल्ट दिख रहा है और एडप्टर भी दिया गया है साथ में, गाइस एक्टिव 2 लिखा हुआ प्रॉपर प्रिंट के साथ एडप्टर, वो भी सैमसंग का एडप्टर, सैमसंग क्लोन है ये ब्रांडिंग, मतलब क्लोन वॉच कुछ इस तरीके से बनाया है बाहर मार्केट में कि आपको पता नहीं चलेगा ये ओजी है कि क्लोन है। तो मैं आपको एक क्लोन वॉच का रिव्यू कर रहा हूँ, सिर्फ हम रिव्यू के लिए वॉच लेके आते हैं, हमारा कोई सेलिंग वगैरह नहीं है, ओनली फॉर द रिव्यू। ओके, कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर एक एडेप्टर देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रैवलर एडेप्टर बोलते हैं इसको एक्टिव 2 का। तो ओके, मैं इसको भी अब साइड में रख देता हूँ, तो मैंने एडेप्टर को रख दिया साइड। और इसके बाद इसके अंदर से क्या निकलता है मैं दिखाता हूँ। और इसके बाद एक वायरलेस चार्जिंग, मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग। तो इसको भी मैं अभी रख देता हूँ थोड़ी देर के से लिया साइड। इसके बाद क्या है, इसके अंदर एक बेल्ट दिया गया। ओके भाई, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का पिनेड बेल्ट है, देख लो एकदम पिनेड बेल्ट है, फुल्ली हैवी क्वालिटी का मैं वो यूज किया है रबर इसमें, और कुछ इस तरीके से मेटल यूज किया है जो भी बहुत ही सही लग रहा है अभी तक तो। और इसके अंदर क्या दिया गया वो भी देख लेते। और है इसके अंदर मैनुअल कुछ इस तरीके से, आपको किस तरह वॉच कनेक्ट करना है, किस तरह बेल्ट फिट करना है, कैसे बैटरी चार्ज करनी है, आपको कुछ पता ना चल रहा हो तो इसमें से देख लेने का। बट मेरे को जब तक पता चल रहा है तब तक मैं आपको वीडियो में ये सब दिखा दूंगा। तो आपको कुछ ये मैनुअल की जरूरत मेरे हिसाब से पड़ने वाली नहीं है, बाद में आपकी इच्छा। अब हम जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, तो ये सब अब हम रख देते हैं साइड। तो मेन टॉपिक के ऊपर जाते से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वॉच एक क्लोन है, कोई कॉपी है ओरिजिनल है। तो वॉच हम निकालते बाहर, वॉच किस तरीके से दिखता है आपको वॉच की करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग, मतलब कुछ इस तरीके से वॉच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बेल्ट को भी मेरे को लगता है कि सबसे पहले मेरे को बेल्ट को भी लगा देना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से बेल्ट लगेगा। और लगा दिया है कुछ इस तरीके से, आपको वॉच का लुक देखने के लिए, फर्स्ट लुक देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर आपको सैमसंग का ब्रांडिंग किया हुआ मिलेगा, भाई साहब सैमसंग का ब्रांडिंग कितना सही तरीके से किया हुआ है विदाउट अ स्पेलिंग मिस्टेक, और पीछे भी लिखा हुआ है गैलेक्सी वॉच। तो मैं इसको सबसे पहले निकालता हूँ पन्नी, और इसके ऊपर ऑन ऑफ का लोगो आता है कि नहीं हमको वो चेक करना है। तो अभी हम ऑन करके चेक करेंगे इसके अंदर ऑन ऑफ में सैमसंग गैलेक्सी वॉच 2 लिखा हुआ आता है कि नहीं, और हम पूरा इसको करते थे एक बार अनबॉक्स, बाद में हम आगे बढ़ते। इसके पीछे भी लिखा हुआ है देखो गैलेक्सी वॉच लिखा हुआ है, आपको दिख रहा हो तो मैंने अभी अभी इसमें दिख रहा है गैलेक्सी वॉच लिखा हुआ दिख रहा है आराम से। अभी ये वॉच को मैं एक बार करता हूँ ऑन, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर गैलेक्सी वॉच लिखा हुआ आता है कि नहीं।
ओके भाई साहब, विथ ब्रांडिंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2, क्या सही तरीके से ब्रांडिंग किया हुआ। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जाके मैं ब्राइटनेस इसकी बढ़ा देता हूँ तो आपको वीडियो देखने में मजा आए। तो सबसे पहले हमको जाने का है ब्राइटनेस प्लस करने, भाई ब्राइटनेस के बिना कोई मजा नहीं है। ओके मैंने ब्राइटनेस कर दिया इसका फुल। अभी ये वॉच में से हम आ जाते हैं फुल पहले बाहर, तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। डिस्प्ले सही दिखती है, ऐसी कुछ बात नहीं है, पर थोड़ी सी मेरे को लाइट इसमें कम दिख रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा रिंग लाइट शुरू है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, वरना मेरे हिसाब से लाइट सही है वॉच के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह मैं चेक कराऊंगा तब यह वॉच कैसा है पता चलेगा। ओके, इसके अंदर ये सब मेनू इनबिल्ट दिया हुआ है, कोई भी लगा लो बहुत ही शानदार दिखता है। और राउंड फुल स्क्रीन वॉच है गाइज, राउंड में फुल स्क्रीन वॉच दिया गया है। ये सैमसंग का ब्रांडिंग एकदम शानदार है। वॉच के पीछे गैलेक्सी वॉच भी लिखा हुआ है। और यह है 44 mm पावर। ओके 44 mm की ये वॉच है। फाइनली ये पूरा मेटल बॉडी है, देखो ये पूरा मेटल बॉडी वॉच बनाया गया है। तो अब ये मैंने आपको सब मेनू दिखा दिया, कितने मेनू है क्या है सब मैंने दिखा दिया, सॉरी कितना थीम है वो मैंने सब दिखा दिया आपको। अभी ये थीम के बाद हम जाते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं, बाद में नोटिफिकेशन बार किस तरीके से इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। ओके कुछ इस तरीके से होता है प्लस माइनस, यहाँ से भी हमारा लाइट तो देख लो कुछ इस तरीके से प्लस माइनस लाइट होता है। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब बार है, QR कोड दिया गया है, एक टॉर्च दिया गया हुआ है, बैटरी परसेंटेज है, टाइम दिखा था इधर, सब दिखा देगा इधर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखा देगा, टाइम है डेट है सभी इसके अंदर दिखाता है। अब हम जाते हैं मेनू में, मेनू ओपन करने के लिए आपको एक बार स्वाइप करना पड़ेगा, स्वाइप करोगे तो मैसेज खुलेगा, इस बार स्वाइप करोगे तो आपको मेनू देखने के, मेनू राउंड में फुल मेनू राउंड करना है तो आपको मैं सिखाता हूँ किस तरह करना। एक बार करोगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप के बाद ये स्लिप मोड मिलेगा, स्लिप के बाद आपको कोई भी विडजेट ऐड करना है तो आपको हो जाएगा ऐड। अभी बैक मारना है, बैक के बाद आपको मेनू ऑन करने के लिए एक बार आपको बीच में टच करना है, टच करोगे तो आपको पूरा राउंड मेनू जो बहुत ही शानदार है वो मैं दिखाता हूँ। और इसके ऊपर एक और स्क्रीन गार्ड है, वो भी मेरे को जरूरत नहीं है, मैं वो भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ किस तरह लगता है ये वॉच, तो आपको ज़्यादा वॉच देखने में मज़ा आएगा। ओके देख लो ये वॉच मैं आपको दिखा देता हूँ अब कैसा लग रहा है। ओके अब इसका लुक शानदार आया। अब मैं एक बार ऑन ऑफ करके देखता हूँ, फिर से लोगो आता है इसके अंदर के नहीं आता है, एक बार मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ। तो ये वॉच को मैं जा रहा हूँ ऑफ करने, तो ओके ऑफ करने पे भी लोगो आता है। तो चलो इसको ऑन करके फिर से हम जाते हैं वहां पे थे जो मेनू पे, मेनू पे मैं आपको फिर से लेके आता हूँ। एक बार ये डिस्प्ले क्लियरिटी देखना था, पूरा सब हटा दिया है मैंने पन्नी, अब पन्नी के बिना ये वॉच बहुत ही शानदार दिख रहा है, देख लो आपके सामने ये। अब हम देखेंगे इसके अंदर के मेनू के, इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। इसके अंदर एक है म्यूजिक, म्यूजिक के बाद इसके अंदर है टाइमर, टाइमर है, कैमरा है, सेटिंग्स है इसके अंदर आपको मिल जाएगा सेटिंग, इसके अंदर आपको SPT रोज हो, इसके अंदर ब्लड प्रेशर मिल जाएगा, इसके अंदर QR कोड मिल जाएगा। ओके इसके अंदर आपको मिल जाएगा वेदर, वेदर के बाद स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच के बाद फाइंड द वॉच। बैक नहीं जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या चीज़ है। इसके अंदर एक कॉलिंग था, तो कॉलिंग किधर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉलिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी। अब आप स्पॉट का मेनू ओपन करते हो तो स्पॉट के अंदर बहुत सारे मोड ऑन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से सब मोड दिया गया हुआ है। साइकिलिंग है, स्विमिंग है, स्कीपिंग है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, सब इसके अंदर मॉड्स भी दिया गया है। और एक बार मैं बाहर जाके आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। रुको मैं जाता हूँ इसके अंदर, देख लो ये है सेटिंग, सेटिंग्स के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ब्राइटनेस है, राइज टू वेकअप डिस्प्ले है, स्क्रीन टाइमर, स्क्रीन टाइमर मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, स्क्रीन टाइमर मेरे को अभी कम पड़ रहा है, तो हम स्क्रीन टाइमर इसको कर देते हैं 10 सेकंड पे, स्क्रीन टाइमर अभी मैंने लगा दिया है। और इसके अंदर क्या क्या दिया गया है मैं और आपको दिखाता हूँ। बैक नहीं जाना है, मेनू चेंज करना पड़ेगा। ये रहा हमारा कॉलिंग, कॉलिंग के लिए आपको मेन मेनू में मिल जाएगा, मेन मेनू में देखोगे तो मिल जाएगा आपको कॉलिंग, कॉलिंग में रिकॉर्ड, कॉन्टेक्ट और कीबोर्ड, कीबोर्ड चेक कर लो कनेक्ट नहीं है इसलिए नहीं दिखाई, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से वेदर वगैरह सब दिया गया है हमारे वॉच के अंदर। और टच टू सॉफ्ट है मेरे हिसाब से, और ये जो सॉफ्ट टच की वजह से राउंड बहुत ही अच्छा घूमता है वॉच। और अभी ये वॉच कुछ इस तरीके से वो देखने के लिए मिल जाएगा। और ये चार्जर किस तरह कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक पिन आएगी, इसको आपको इस तरीके से वॉच के ऊपर कनेक्ट करना है, लग जाएगा देखो कुछ इस तरीके से। ओके कुछ हैवी तरीके का है, कोई बात नहीं, आपको 1 दिन से 2 दिन ये वॉच बैटरी बैकअप आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा बैटरी बैकअप के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वॉच कनेक्ट कैसे करना है क्या नहीं, वो सब मैं कनेक्ट करने के बाद दिखा दो। चलो ये वॉच हम जा रहे कनेक्ट करने की, और लेट्स गो।
तो वॉच कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस मैं लेके आ चुका हूँ और एक दूसरा मोबाइल, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये वॉच आपको करना है कनेक्ट। तो मैं थोड़ी देर ये वॉच को रख देता हूँ नीचे की साइड और लेके आता हूँ एक मोबाइल। तो ये मोबाइल है हमारे पास ऑलरेडी, ये मैंने स्क्रीन कर दिया ऑन। थोड़ा ब्राइटनेस इसमें भी बढ़ा देता हूँ तो आपको देखने में मज़ा आए। अभी आपको सबसे पहले करना है वियर फिट 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड, कुछ इस तरीके से वॉच का नेम है उसको डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन करना है। ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, आपको इसमें लॉगिन करना है। ओके, आपको इसमें लॉगिन करना है, पर अभी मैं आपको लॉगिन के बिना सिखा दूंगा किस तरीके से करना है। एंटर लिख डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट थ्रू अंदर चला जाता हूँ। ओके, अभी मैं कुछ सेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट नेक्स्ट कर दूंगा, डायरेक्ट कुछ भी अभी सिलेक्ट कर लूंगा। अभी मेरे को जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं। सभी एलो कर देने का है, कॉल के लिए, गैलरी के लिए और फोन लॉक्स के लिए, रिकॉर्ड वीडियो के लिए और डिवाइस लोकेशन के लिए, और आपको मिलेगा एक फोटो मीडिया के लिए और एक SMS के लिए, सभी के लिए एलो कर देने का है। ओके, बैकग्राउंड पावर कंज्यूप्शन प्रोटेक्शन ऑन कर देने का है, तो उसको जरूरत अभी मेरे को दिख नहीं रहा है तो मैं उसको भी कैंसिल मार देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। अभी आपको वॉच किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है ये वॉच के एप्लीकेशन के अंदर, कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। ये इंटरफेस में आपको जाने का है मी के अंदर, मी में आप जैसे ही जाओगे तो इसमें आपको दिख जाएगा कनेक्शन मैनेजमेंट। ये आपको थर्ड लाइन है कनेक्शन मैनेजमेंट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट बैंड, ओके कनेक्ट बैंड के लिए करना एलो करोगे तो आपको अभी फाइंड आउट बैंड होगा, एक्टिव टू नेम आ जाएगा, तो एक्टिव टू के ऊपर आपको क्लिक करना है। एक्टिव टू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में इसके कनेक्ट आराम से हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ ये हो गया है कनेक्टेड। और कनेक्टेड हो जाने के आपको एक बार आ जाना है बैक, बैक मार के आपको जाना है आपके ब्लूटूथ डिवाइस में। आप ब्लूटूथ डिवाइस के जाके अंदर से करोगे न्यू पेयर डिवाइस, या न्यू पेयर डिवाइस में जाओगे तो मेरे को एक नोटिफिकेशन मिल गया है पेयर डिवाइस के लिए, वो आपको मैं कर दूंगा पेयर। तो अपने आप ब्लूटूथ के अंदर ये पेयर हो गया जिसका नाम है एक्टिव टू TH। अभी इसके अंदर आपको करना है सेटिंग्स में जाके कॉन्टेक्ट शेयरिंग ऑन, तो मैंने ये कॉन्टेक्ट शेयरिंग भी ऑन कर दिया। ओके, तो ये पूरा वॉच कंप्लीटली कनेक्ट हो गया। अब किस तरीके से आपको यूज करना है, क्या करना है, इसके अंदर वॉलपेपर है कि नहीं है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर वॉलपेपर है कि नहीं। तो आपको वॉलपेपर देखने के लिए जाना है कि डिवाइस मैनेजमेंट, तो मैंने डिवाइस मैनेजमेंट ओपन कर दिया। अभी आपको पता चलेगा इसके अंदर वॉलपेपर है कि नहीं है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी आपको और जाना है कनेक्शन मैनेजमेंट, तो इसमें आपको वॉच आपके कनेक्ट दिख जाएगी। जैसे वॉच कनेक्ट दिख जाए तो आपको जाना है स्क्रीन, देखो आपको इसमें दिख रहा हो तो स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा यस इन दिस वॉच विथ कंपेटेबल ऑफ द वॉलपेपर, ये वॉच वॉलपेपर कंपेटेबल है। तो हम सिलेक्ट करते हैं एक वॉच गैलरी में से एक फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम एक फोटो कोई भी रैंडमली उठा लेता हूँ और देखते हैं इसमें वॉच में वॉलपेपर लगता है या वॉलपेपर नहीं लगता है। तो इसके लिए आप वॉलपेपर के लिए प्रोसेसिंग चालू है, तब तक आप 2 मिनट तक देखते रहिए वीडियो और वॉलपेपर कैसे लगा तो वो आप देखें। ओके, मैंने अभी सेंड कर दूंगा, सेंड के बाद यहाँ पे 100% प्रोसेस होगा। 100% प्रोसेस होने के बाद इसके ऊपर वॉलपेपर अपने आप हो जाएगा। तो अब आपको मैं मिलूंगा 100% प्रोसेस होने के बाद। ओके गाइज, मेरा 100% प्रोसेस होने के लिए आ गया है, 86 पे पहुंच गए हम लोग। और इसके अंदर भी, वॉच के अंदर भी आप देखो आपको दिख जाएगा प्रोसेस दिख रहा है, मतलब वॉलपेपर इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे 100% होते यहाँ पे वॉलपेपर भी लग गया है। तो कुछ इस तरीके से आप वॉलपेपर इन वॉच के में लगा सकते हो, एनी वॉलपेपर पुट ऑन दिस वॉच ब्रदर और सिस्टर्स और मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ओके, तो वॉलपेपर भी लगा सकते हो आप। एप्लीकेशन का क्या यूज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। आप एप्लीकेशन में आ जाए, बाहर निकल जाए, इसके अंदर आप फोटोग्राफ, फाइंड ब्रेसलेट, स्मार्ट रिमाइंडर सब सेट कर सकते हो। रिसेंट, ओके फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्ट, ये मेन है। आपको साइन टू द ब्रेसलेट करना पड़ेगा, सक्सेसफुली साइन हो गया है, साइन टू द। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर कॉलिंग कैसे यूज होगा और कॉन्टेक्ट कैसे कॉल लगा देता हूँ मैं। स्पीकर देखो कितना शानदार दिया गया हुआ है, 1 स्पीकर दिया गया है, सैमसंग ब्रांडिंग के नीचे ही है। ओके, अभी मैंने कॉल लगाया और ये देखो अपने वॉल वॉच में और दोनों में ऑन हो गया है। देख लो किसी में भी आप देख लो, यहाँ पे दिख रहा है नंबर
और इस वॉच में भी दिख रहा था, दोनों में नंबर्स दिख रहा था, यानी ये वॉच कंप्लीटली यूजेबल है। रीडायल का ऑप्शन भी आ रहा है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से वॉच भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये वॉच ऑल्सो वाटर प्रूफ है, ये वॉच को मेरे को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी वॉच वाटर प्रूफ है, जो आगे हम सभी यूज करके वॉच आपको दिखा सके। ओके, और इसके अंदर आपको क्या दिखेगा वो मैं आपको सब दिखा देता हूँ। डिस्कवरी में जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा देखने के लिए। इसके अंदर स्लीप दिखाई देगा, हार्ट बीट दिखाई देगा, इसके अंदर ब्लड प्रेशर दिखाई देगा, इसके ब्लड प्रेशर दिखाई देगा, ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन भी इसके अंदर दिखाई देता है गाइस। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो कुछ इस तरीके से वॉलपेपर भी आप लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल एक्टिव टू का रिव्यू था। बहुत ही शानदार वॉच है, आप बाय कर सकते हो। एक क्लोन वॉच है, सभी का बजट नहीं रहता ओरिजिनल बाय करने के लिए, ये वॉच इसलिए आप सबको काम आने वाली। एक वाटरप्रूफ वॉच है और बहुत ही शानदार वॉच है मेरे हिसाब से, एक कंफर्टेबल एकदम शानदार यूनिक सा लुक देती है। और इसका डिस्प्ले मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, डिस्प्ले बहुत ही शानदार है डिस्प्ले। ओके, ये डिस्प्ले भी एकदम यूनिक दिया गया है। ओके, तो इसमें मैट फिनिशिंग का दिया गया है, मैट फिनिशिंग है वॉच के ऊपर पूरा। यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया गया है और ये बैक साइड सिरामिक का है। और सेंसर में आपको तो चेक कराना ही भूल गया मैं, सबसे पहले आपको एक बार सेंसर चेक करा देता हूँ। रुको, तो हम जाते हैं सेंसर में, हार्ट बीट। ओके, ये हार्ट बीट मेजरमेंट शुरू हो गए। ओ भाई, क्या सेंसर लग रहा है, बहुत ही शानदार सेंसर लग रहा है। जब ऑन होता है सेंसर बहुत ही शानदार लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से पूरा वीडियो था। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और आगे का वीडियो भी देखे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। हेलो।